मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगा राहुल भाई को। राहुल भाई स्टेज पे आइए, जिनके ऑल इंडिया रैंक है 632। हाँ मैं राहुल हूँ, मैं कर्नाटका से हूँ, मेरा ऑल इंडिया रैंक 632 है। ताली हो जाए भाई, एक बार नहीं दो बार हो जाए। चलिए आज एक और अपने नए बच्चे से मिलते हैं जिनकी निम सेट में ऑल इंडिया 632 रैंक है, राहुल जो कि कर्नाटक से हैं और इनको एनआईटी पटना अलॉट हुआ। तो सबसे पहले राहुल आपको इस रैंक के लिए बहुत सारी बधाइयां। थैंक यू सो मच सर। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पेरेंट्स को, आपको, प्रतीक सर, गोलू भैया एंड जो मेरे फ्रेंड्स इस जर्नी में मेरे साथ थे अभी भी है, उनको थैंक यू बोलना चाहूंगा जिनकी वजह से मैं अब एनआईटी पटना में हूँ। ठीक है, चलिए राहुल के इंटरव्यू के स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा राहुल के बारे में कि राहुल ने भोपाल में आके क्लासरूम में पढ़ाई की, कर्नाटक से थे, स्टार्टिंग में लैंग्वेज की प्रॉब्लम भी हुई और खास बात यह कि राहुल ने ड्रॉप लिया था पर जब लास्ट ईयर निमसेट दिया था तो निगेटिव मार्क्स थे, मैथ्स में काफी वर्क किया क्योंकि मैथ्स बहुत वीक था। तो राहुल अक्सर वो बच्चे जिनको मैथ्स का बहुत डर होता है उनके, मतलब मैं चाहूंगा कि आप अपनी सक्सेस जर्नी स्टार्टिंग से बताएं कि कैसे निगेटिव मार्किंग से आपने एक पॉजिटिव मार्किंग पे आए, कैसे मैथ्स सीखी, क्योंकि आपका जो ये इंटरव्यू है ना, कई लोग जिनको मैथ्स का फेयर है शायद उनकी इंटायर लाइफ को बदल दे। यस सर, मेरा जर्नी शुरू होता है सर, मैं एक छोटा सा गांव से हूँ, कलबुर्गी के पास है, तो मेरा फाइनेंशियल दिक्कत के कारण 10th तक की पढ़ाई गवर्नमेंट स्कूल में हुआ मेरा। घर में कोई पढ़ाई लिखाई नहीं किया, पापा फार्मर है और एग्रीकल्चर बेस्ड फैमिली है। तो उसके बाद 11th-12th सिटी में हुआ लेकिन वहां पर पूरा डिस्ट्रैक्शन के कारण कुछ पढ़ नहीं पाए। जब तक पता चला तो बहुत लेट हो चुका था और 12th में परसेंटेज सिर्फ 53 था मेरा और मैथ्स में जस्ट पासिंग मार्क्स ही थे मेरे, 10th में भी पासिंग मार्क्स, 12th में भी पासिंग मार्क्स। मैथ्स से बहुत डरता था सर, जैसे कर्नाटक का सीईटी लिख पाया था, जेईई के बारे में पता भी नहीं था उस टाइम पे, तो मजबूरी से बीसीए करना पड़ा। और कर्नाटक यूनिवर्सिटी का पैटर्न था कि जो साइंस करके आता है उसके लिए अकाउंट्स, जो कॉमर्स करके आता है उसके लिए मैथ था, तो वहाँ भी मैथ से भी बहुत दूर थे। तो एंड सेमिस्टर में ये हुआ कि 12th के परसेंटेज के कारण बहुत सारी कंपनी में रिजेक्ट हो गया, इसे काफी डिप्रेशन में चला जाता था कि अरे अभी कैपेबल हूँ फिर भी मैं पास के कारण नहीं हो पा रहा कुछ भी। तो उसके बाद विप्रो में सिलेक्शन हो गया तो सोचा अब सेट हो गया, बाद में फिर भी सेटिस्फाइड नहीं था कि इतना कम पैकेज में बहुत सारे ट्रिप्स तो पूरी नहीं हो पाता लेकिन एटलीस्ट कुछ जिम्मेदारी भी पूरी नहीं हो रही थी उससे। तो सोचा एमसीए कर लेता हूँ अच्छे से। तो बाद में ये भी प्लान है, ये भी ख्याल है कि अगर एमसीए करने के बाद रिजेक्ट हो गया तो क्या करें, तो करना है तो टॉप कॉलेज में एमसीए करूंगा। तो बाद में सर्च किया टॉप कॉलेज इन इंडिया फॉर एमसीए, तो ऑब्वियसली एनआईटी आ गए, उसका फॉर्म भी खुला था उस टाइम पे, तो डायरेक्टली फॉर्म भर दिया ना सिलेबस। okay. सोचा 10 दिन में सिलेबस पढ़ लूंगा, लास्ट में सिलेबस पता ही नहीं था क्या था। तो जब 10 दिन के पहले देखा आपका वीडियो, देखा यूट्यूब पे, लेकिन देखा सिलेबस बहुत ज्यादा था, मतलब खत्म ही नहीं होता 10 दिन में तो इतना, तो ऐसे ही एकदम दे दिए। वापिस आने के बाद देखा तो पता चला मेरे 21 सही नहीं है मैथ में। बाद में ऑफर लेटर भी था विप्रो का, तो कंफ्यूजन में था बहुत ज्यादा, लेकिन बाद में लगा अभी ये निमसेट का छोड़ दिया तो ऐसा लाइफ में गिव अप जैसा हो जाएगा, मतलब जल्दी हार माना जैसा हो जाएगा, तो सोचा करूंगा तो एनआईटी में करूंगा जो भी हो जाए, कितना भी डर हो मैथ से लेकिन मैथ से सीख जाऊंगा। और आपका वीडियो यूट्यूब पे देखा तो लगा कॉन्फिडेंस आ गया कि शरद सर से सीख लूंगा तो बहुत अच्छे से सीख लूंगा। तो पहले ये बात रखा घर में भी, ये भी नहीं पता कि भोपाल कितना दूर है, कहाँ आता है, और उनको पता भी था कि मुझे हिंदी सही से नहीं आती और भोपाल में किसी को जानता भी नहीं हूँ, फिर भी पापा बोले चले जाओ तुम कर लोगे, मुझे इतना कॉन्फिडेंस है। बस ये एक सेंटेंस पे आ गए भोपाल आपको कॉल करके सीधा। नवंबर में आ गया था सब पहले, उस टाइम पे टूर्नामेंट स्टार्ट था, तो पहला सब सबको देखा, हर कोई मैथ्स में टॉपर था क्लास में, कि पहले कुछ ना कुछ मैथ्स में करके आया था, उनको सिलेबस भी पता था, बुक्स भी पता था कौन सा यूज करना है, मुझे बुक्स भी नहीं पता था। तो पहले आया, एक बुक खरीद के लाया था एमसीए एंट्रेंस का, अरियंत का। तो आने के बाद लगा बहुत बेसिक नहीं आता मुझे, बहुत ज्यादा बेसिक, तो उस टाइम पे शिवम भाई और प्रभात भाई मिले जो मुझे पढ़ाते थे साथ में पढ़ा के, कभी इरिटेट नहीं हुआ कि कुछ भी बेसिक कुछ बता देते थे। तो वही ऑफलाइन क्लास का वही बहुत बड़ा फायदा है कि हमको माहौल मिलता है और वही टाइप का बंदे मिलते हैं जो सेम गोल रहते हैं, तो वो लोग साथ में लेके चलते थे। पहले 10th का बुक सॉल्व किया मैंने पूरा बेसिक के लिए, 10th का ट्रिग्नोमेट्री, बाद में 11th को पूरा सॉल्व किया, उसके बाद कॉन्फिडेंस आया लेकिन मार्क्स नहीं आ रहे थे पहले, थोड़ा टाइम लगा था, लेकिन जैसे ट्रिग्नोमेट्री खत्म होते आ रहा था उसके साथ बेसिक्स करते आ रहा था बस ज्यादा में।
तो उसके बाद आप इतना प्यार से पढ़ाते थे कुछ सबको समझ में आ जाता था। मैं ज्यादा ज्यादा बस आरडी सब्जेक्टिव रेफरेंस के लिए रखा था, लेकिन पूरा तो आपके नोट्स पे डिपेंड था और कोचिंग मटेरियल बहुत काफी था मेरे लिए, और टेस्ट एनालिसिस के लिए बहुत ज्यादा टाइम लेता था। और जैसे एंड टाइम पे आते आते एक बुक बनाया था मैंने, जो जो भी क्वेश्चन रॉन्ग होता है ना उसके लिए एक बुक बनाया था। जैसे क्वेश्चन रॉन्ग हो गया उसको लिख लेता था कि क्यों रॉन्ग हुआ है, उसमें मेरा क्या कॉन्सेप्ट गलत था और क्या क्या रिविजन करना है मुझे। ऐसे जैसे बुक बढ़ते जा रहा था, जैसे मेरा रॉन्ग खत्म हो रहे थे, मतलब मार्क्स भी बढ़ते जा रहे थे। ऐसे एंड टाइम पे आ गए तो पेपर सही से निकाल, थोड़ा पेपर में पैनिक हो गए थे, फिर भी कंट्रोल कर लिए। जैसे आप सिखाए थे कि कुछ क्वेश्चन छोड़ना भी होता है, थोड़ा बहुत फंसे नहीं थे उसमें, आगे बढ़ गए। तो राहुल, ये मैंने आपकी बात सुनी, बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले तो जब आपका मैथ्स वीक था, आपका निमसेट में, क्योंकि रैंक पहली बार में बहुत अच्छा आया नहीं था, निगेटिव ही आया था इनफैक्ट, तो ये बताओ कि विप्रो का एक ऑफर था और यस सामने ये भी था कि मैथ्स तो आता नहीं है, तो सर, उसके बाद भी ये डिसीजन लेना एक बहुत बड़ा काम स्टेप था। और मैं चाहूंगा कि आपने ये जब स्टेप लिया तो क्या क्या प्लस माइनस सोचा, क्योंकि वो बच्चे जो कि कई बार कंप्रोमाइज कर लेते हैं, आपने गिव अप नहीं किया, शायद यही नतीजा। देखो, दो चीजें हुई आपकी, एक तो सबसे पहले मैथ्स पे अंडरस्टैंडिंग बनी, मैथ्स पे कमांड बना। अच्छा, मैथ्स अच्छा होने के बाद जब हम एमसीए करते हैं तो हमारी प्रोग्रामिंग स्किल भी अच्छी होती है, तो ये प्लस पॉइंट हुआ। दूसरा, आपका कॉन्फिडेंस आपको आ गया, अब आप जीवन में कुछ भी कर सकते हो। पर उस समय की सिचुएशन को कैसे हैंडल किया? उस टाइम पे लगता था कि छोटे में कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। जैसे कुछ जिम्मेदारी था कि मुझे पढ़ना ही पड़ता था उस टाइम पे, लेकिन पहले बहुत कुछ खराब कर लिया था खुद को, ताकि कुछ पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं किया था 12th तक, और ग्रेजुएशन में भी 2 सेमेस्टर ऐसे ही निकल गए थे। तो बाद में लगा कि विप्रो में तो अभी 4 साल का कमिटमेंट भी था, उसके बाद अच्छा, पैकेज भी बहुत बहुत कम पैकेज था, कि ऐसे सपने भी नहीं देख पाते आगे का, उतना कम पैकेज थे और सीखने को मिलता भी नहीं था। मुझे ना कंपटीशन कर रहा था सर, सीखना था कि पढ़ना कैसे है। तो सोचा, आपका वीडियो देख के बहुत मोटिवेट हो गया था पहले, आप कोचिंग आने से पहले ही कुछ मोटिवेशन वीडियो देखा था आपका, तो लगा हाँ यार सच में इतना कम में कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। जैसे वो आने के बाद भी जब भी मार्क्स कम आते थे, उसी टाइम पे ऑफर लेटर का मैसेज भी आता था कि वन मोर लास्ट चांस ऐसे दे देते दे। तो ऐसा ओके, लगता था, शाम में आके देखता था तो लगता था ऑफर लेटर ही साथ में मार्क्स मार्क्स नहीं आ रहे, फिर भी लगता था। लेकिन आपका क्लास छोड़ के जाने का मन ही नहीं किया था। जब भी मेरे मार्क्स कम आते थे, फिर आपके शाम में आपके क्लास कर लेते, तो फिर से वही एनर्जी आ जाता था, अगले दिन फिर से 15 घंटे बैठ के पढ़ाई करना शुरू कर देते थे। तो ये बहुत ही अच्छी बात है राहुल, और आपकी लाइफ का ये बहुत बड़ा डिसीजन था, पर एक अच्छा डिसीजन था। देखो, कई बार क्या होता है, हम अगर वो कंप्रोमाइज कर लेते आप, तो आपको एक तो पूरी लाइफ ये रहता अफसोस, और दूसरा ये कि ये जो आपने बोला ना, बिल्कुल सच है कि आज आपको वो विप्रो की नौकरी मिल गई होती, पर लाइफ बहुत टफ हो जाती, क्योंकि आपको ही पता है वो जो सैलरी है उसमें आप अकेले का खर्चा नहीं चला सकते, बाकी तो बात ही अलग है। तो ये एक अच्छा डिसीजन था। तो राहुल, आपसे जो भी ये सेशन सुनेगा काफी कुछ सीखेगा, तो आप मुझे ये बताओ, स्पेशली जब आपने ज्वाइन किया था, जब नवंबर था, ट्रिग्नोमेट्री से पढ़ना चालू किया था, अक्सर लोग ट्रिग्नोमेट्री से पीछे हो जाते हैं, आपने मैथ्स को जिस ढंग से, आपको फ्रेंड्स ने भी अच्छा साथ दिया, पर मैथ्स की प्रैक्टिस किस ढंग से की, एक शॉर्ट में जरूर बताओ, जिससे वो बच्चे जिनको मैथ्स को लेके फेयर है वो दूर हो जाए। मैथ्स पहले आपका क्लास करना बहुत जरूरी है सर, जिसमें आप पूरा बेसिक से शुरू करते हो, उतना बेसिक मतलब अच्छे से नोट्स बनाना चाहिए सर आपका, जो भी बोलते हो आप, जो भी लैंग्वेज हिंदी में भी बोलते हो तो वो लिख लेता था सर मैं। उस टाइम हिंदी भी ओके, बहुत दिक्कत था मेरा, उतना फ्लुएंसली नहीं था हिंदी में, तो बहुत कम लोगों से बात करता था कोचिंग में, अपने 2-3 दोस्तों से, क्योंकि गलत हो गए तो सोच ओके, के बहुत कम बात करता था। तो पहले पूरा आपका नोट्स बनाता था, पहले उसको जाके पहले उसके सेम क्वेश्चन, अभी शीट तो मिल ही जाता था, 0 लेवल, लेवल 1, लेवल 2, ये बहुत अच्छा पैटर्न है फिर वहाँ का, तो अपने लेवल से एक एक क्वेश्चन बनाते जाते, जो क्वेश्चन फर्स्ट जाते थे उसको मार्क करके लगते कि बाद में किसी से पहले सॉल्व करने को ट्राई करेंगे, जितना होता उतना, अगर नहीं हुआ तो किसी से पूछ लेंगे। ऐसे आपको भी डाउट तो क्लास में ही पूछ लेते थे सर, जैसे जैसे रूम आके दोस्तों से पूछ लेते थे कि समझा देते, वो लोग फिर से प्रैक्टिस करता, जो क्वेश्चन बहुत टफ है उसको 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेते थे, बाद में पूरा बुक सॉल्व करता था कि एग्जाम्पल और एक्सरसाइज दोनों सॉल्व करते थे, शीट तो सॉल्व हुआ रहता था, लेकिन बाद में ज्यादा टाइम दिए हम टेस्ट पेपर में, जो सॉल्व करते थे जो गलत हुआ उस पर बहुत ज्यादा फोकस करते रहते थे सर। चलो बहुत ही अच्छी बात है राहुल, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अब ऐसे ही आप एनआईटी पटना में भी, क्योंकि आप पहले बैच के स्टूडेंट हो, वहां पर आपको बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है, बेस्ट प्लेसमेंट लेना है, क्योंकि आपका बैच ही आगे के बच्चों को और आगे के एनआईटी की रैंक को, एमसीए के लिए इनफैक्ट, बीटेक में तो पहले ही वो काफी अच्छा है,
सब डिसाइड करेगा, तो आप अच्छे से पढ़ाई करिए. वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन एंड ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू बेटा.